अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खुशबूदार इंस्टेंट बनारसी पुलाव मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। कितनी बिरयानी में मसाले की कितनी क्वान्टिटी ऐड होगी सब मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेंट बनारसी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत गर्म मसाले लिए हैं। अब मैं एक मिक्सर जार लेके उसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास लौंग है 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून, साथ ही छोटी इलायची ऐड करूँगी 12 से 15, सौंफ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, साथ ही ज़ीरा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, जावित्री के टुकड़े 4 से 5 अदद और काला ज़ीरा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, बादियान के फूल ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, साथ ही इसमें हम दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक जायफल लिया है और छोटा सा ये एक टुकड़ा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तमाम मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसे दरदरा रखेंगे। ये देखें मसाले हमारे परफेक्टली ग्राइंड हो चुके हैं और मसालों को मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया, हल्का सा दरदरा रखा है। अब इस पिसे हुए मसाले को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी जो इसमें मसाले ऐड करने हैं वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो ऐड करूँगी, साथ ही मैं इसमें कुटी मिर्च ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून, सूखे हुए आलू बुखारे ऐड करेंगे 50 ग्राम, साथ ही इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, आम का अचार ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। आप अचार की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें तकरीबन मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 6 से 7 तेज़पत्ते ऐड करूँगी, साथ ही 2 टेबल स्पून नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे सूखे और साफ़ एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लूँगी, ये तकरीबन 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब जब भी आपको बनारसी पुलाव खाना हो आप बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। अगर आप 1 किलो बनारसी पुलाव बना रहे हैं तो तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून आप ये मसाला ऐड कीजिएगा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।